हेलो, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिग्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं फिर से कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं बनाना फटाफट। तो आइए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी भर के बेसन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बनाने के लिए पहले 1 कटोरी बेसन ले लिए हैं और बेसन को बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे चुटकी, यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग, ये मेरा हींग है, हींग डाल देते हैं और हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग और नमक डाल देंगे। तो नमक हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नमक यहाँ पे इतना डाल देते हैं आधा चम्मच के लगभग। और अब हम इसे अच्छे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंट लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। तो इसे बहुत अच्छे से हमें फेंटना होगा, जितना फेंटेंगे पकौड़ी उतना ही हमारा ये बरी, इसे बोलते हैं कढ़ी का, तो बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। तो पानी डालते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे करते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कम से कम हम 15 से 20 मिनट तक फेंटेंगे ताकि हमारा जो ये कढ़ी पकौड़ा बनेगा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। इसे देखिए, हमने फेंटते हुए बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है। एक कटोरी में हम आपको दिखाते हैं कैसे पता लगेगा कि ये बेसन मेरा फट गया, अच्छे से हो गया है। तो यहाँ पर मैं कटोरी में पानी ले ली हूँ और इस कटोरी में जब ये हम पेस्ट डालेंगे तो देखिए, ये जब ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि ये अच्छे से फेंट गया है। इसे हम थोड़ी देर और फेंट लेते हैं ताकि बिल्कुल सॉफ्ट ये तैयार होगा बनके। तो यहाँ पे देखिए, बेसन को फेंट के मैंने रेडी कर लिया। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, गैस ऑन कर दिया है। और देखिए, तेल हमारा अब गर्म हो चुका है तो हम पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ी का ये पकौड़ी है तो इसे हम छोटा छोटा करके, बरी भी इसे बोला जाता है, तो इसे हम छोटा छोटा करके डालेंगे। बहुत बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये अभी बनेगा ना तो इसे फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है इसका साइज, तो इसलिए हम छोटा छोटा ही अभी इसमें डाल देते हैं। तो अब इसे हम जो है पलट लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें कढ़ी का बरी जो है लाल नहीं करना होता है। तो इस सारे को हम पलट लेंगे, एक तरफ से हो गया है, दूसरे तरफ का भी हम सेक लेते हैं। तो इसे पलट दिए हैं, अब ये जब हो जाए फिर हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बरी हो चुका है हमारा, तो इसे हम निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और सभी बरी को फिर हम ऐसे ही करके सभी को तल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए हैं, अब जो है हम बनाते हैं मोची। तो एक हम ले लिए हैं ये झरना, और ये जो पलटा होता है चरखे से झट बोला जाता है, और इसे हम ऐसे रखते हुए बेसन को, और देखिए ऐसे धीरे धीरे हम तल लेंगे। ये कढ़ी में आप डाल के बनाइएगा फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब देखने में तो लगता ही है, खाने में भी मत पूछिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम जब भी कढ़ी बनाते हैं तो ऐसा ज़रूर बनाते हैं, पकौड़े तो डालते ही हैं साथ में इसे भी डालते हैं। तो आप लोग एक बार मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये कढ़ी बन के तैयार होता है। तो मैंने इसको डाल दिया है, अब इसे हम पलटे से धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए, ये अलग हो जाएगा अभी, ये जब ये ना चिपका हुआ है तो ये अलग हो जाएगा। देखिए, तो ये हो गया है जो मोती मैंने छान के रखा था, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग, और बहुत ही ये जब कढ़ी में आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होता है। तो इसे हम निकाल लेंगे, सभी को निकाल लेंगे, थोड़ा सा और हम बनाएंगे, इसी को बना लेते हैं। तो अब हम ग्रेवी बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, तेल को बस थोड़ा सा तेल चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच तेल हम ले लिए कढ़ाई में। और अब यहाँ पे हम हींग डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है लाल मिर्च ले लिया है तोड़कर, और ये मेथी है, मेथी 1 चम्मच है, तो इसे भी डाल देते हैं।
और ये मैंने थोड़ा सा आधा कटोरी के लगभग बेसन लिया है। एक कटोरी का पकौड़ा बनाया था, आधा कटोरी बेसन लिया है। तो ग्रेवी बनाते हैं बेसन का। इसे हम पहले घोल लेंगे, अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। इसी में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, ताकि हमारा हल्दी जो है अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्दी को भी डाल दिया है और इसे हम पकने देते हैं अच्छे से। ये मैंने ले लिया है 8 से 10 हरी मिर्च, काट के बीच से जो है इसे फाड़ दिए हैं, ऐसे कट कर लिए हैं। तो इसे भी डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी ये कढ़ी बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस कढ़ी का। जिसे कढ़ी नहीं पसंद होगा वो भी खाएगा, बहुत ही अच्छी ये कढ़ी रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे अब इसे हम घोल लिए हैं बेसन को। अब इसे पानी हम अधिक डालेंगे, क्योंकि अभी बेसन जो है गाढ़ा हो जाएगा हमारा, तो इसलिए पानी को हमें ध्यान से ज़्यादा डालना है। पानी को आप अधिक डालिएगा, नहीं तो कढ़ी जो है बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, तो गाढ़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो। और इसे अब हम एक बार चला देते हैं, इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो जो है ग्रेवी हमारा ये फट जाता है। कढ़ी का अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे तो ये फटा फटा सा हो जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आता है और ना ही देखने में अच्छा लगता है। तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने पानी जो है कढ़ाई से थोड़ा सा बस भरा नहीं है, हल्का सा जो है हमारा कढ़ाई जो है ये खाली है, देख सकती हैं। इसे लगातार चलाते रहेंगे, 15 से 20 मिनट इसे हम पकाएंगे लगातार चलाते हुए। तो आप फ्रेंड्स इसमें हम जो है ये डाल देते हैं, जो बड़ी बना के हमने रखा है कढ़ी का, इसे भी डाल देंगे। और ये जो मैंने मोती बना के रखा था इसे भी डाल देते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया ये कढ़ी बनके तैयार होगा। इसे अभी हमें पकाना है, अभी पका नहीं है, तो इसी के साथ अभी पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी तक मैंने नमक नहीं डाला हुआ था, अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा और डाल देंगे। नमक को डालते हुए बस 2 मिनट और पकाएंगे, देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो इसे अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स कढ़ी बनके तैयार है। अब कर लेते हैं गैस को ऑफ यहाँ पे। तो लीजिए फ्रेंड्स कढ़ी बनके मेरा बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हैं कढ़ी का लुक आपको दिखाते हैं। देखिए देखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है। और इसे आप देखिए, आपको एक बरी हम तोड़ कर दिखा रहे हैं, इतना सॉफ्ट ये बरी होता है फ्रेंड्स कि आप अगर धीरे से भी अगर टच कीजिए, हल्के हाथों से भी, तो ये बिल्कुल आराम से टूट जाते हैं। ये देखिए, तो बिल्कुल आराम से ये बरी जो है हमारे टूट के रेडी होते हैं। और इसे देखिए कितना गाढ़ा, और ये जो मैंने बनाया था ना पलटे से वो छनने वाले, देखिए इससे मोची जो है ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की रेसिपी फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आए और आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देख सके। तब तक के लिए बाय बाय।